हेलो वेलकम गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस वो होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग। और जरूर देखिए इस वीडियो को, जो वीडियो का टाइटल है वो गाइस, अगर आप जब आप कोरिया में आते हैं तो कोरिया में आने के बाद या तो आप स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप टूरिस्ट होंगे या फिर कोई भी किसी भी वीजे पे आए, अगर किसी को काम चाहिए, काम ढूंढ रहा है कि मैं काम कैसे करूँ कोरिया में, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कोरिया में जॉब कैसे ढूंढे, काम को कैसे ढूंढा जाए और कैसे आसानी से हम काम ढूंढ सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैं जब आया था यहाँ पे कोरिया में तो मैंने हार्ड काम बहुत किया, मैंने हार्ड काम भी किया मैंने, लेकिन अब मैं कोरियन आ गई है मेरे को तो अब मैंने हार्ड काम से मैंने बचना स्टार्ट कर दिया। और आप भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन धैर्य रखो गाइज, आप मतलब स्टूडेंट्स हैं, काम करना चाहिए स्टूडेंट्स को, अच्छी बात है और अपना खर्चा चला रहे हैं और क्या है। तो गाइज चलिए बात करते हैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे कि काम को कैसे ढूंढा जाए। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ दो तीन पॉइंट्स में, कि अगर स्टूडेंट्स है या तो कोई स्टूडेंट्स है या फिर कोई ऐसे ही टूरिस्ट पे आके या तो इलीगल हो गया है या फिर उसको कहीं पे काम ढूंढ रहा है या कोई आके बिजनेस पे आके या फिर ऐसे ही कोरिया में एंटर करके किसी भी वीजे पे और वो बाद में कुछ भी काम ढूंढना चाहता है, तो गाइज उसके लिए हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो एक गुड पॉइंट होता है गाइज वो होता है कि उसको लैंग्वेज आती है, क्योंकि अगर स्टूडेंट होगा तो उसको लैंग्वेज आनी चाहिए और आ जाएगी अगर आपको नहीं आती है। तो गाइज अभी जो स्टूडेंट्स के जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन पे आप काम ढूंढ सकते हैं। जो पहली एप्लीकेशन है गाइस वो है जॉब कोरिया, और उसके बाद एक अल्बा मून, और फिर है अल्बा छोंगू। अल्बा छोंगू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आप अल्बा अल्बा सुन रहे हैं, अल्बा का मतलब होता है पार्ट टाइम, अल्बा मतलब काम करना, किसी भी किसी से पैसे लेके काम करना, तो उसका मतलब होता है अल्बा मतलब वर्क पार्ट टाइम कोई भी। तो छोंगू होता है पूरा जो कोरिया है, होल कोरिया मतलब पूरे कोरिया में, तो इसका मतलब वही है कि पूरे कोरिया में काम। तो इन्होंने एप्लीकेशन बना रखी है, बहुत सारी एप्लीकेशन है आप ढूंढ सकते हैं उनसे। तो इन एप्लीकेशन में क्या होता है, जिसको भी काम की जरूरत होती है इसमें काम के वो आते हैं कि हमें हमारे को कितने बंदे चाहिए, किस तरह का काम है हमारे को, उस बंदे को क्या क्या आना चाहिए, कोरियन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, वो कोरियन को ही ले रहे हैं या फॉरनर को ले रही हैं, तो उसमें सब आता है। इसमें से अगर आपको कोरियन पढ़नी आती है तो आप इन एप्लीकेशन का यूज करके आप काम ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दिन में स्टार्ट होती है उनकी क्लासें, तो दिन में क्लास में जाना होता है, तो बचता है एक उनके पास वे जो है रात का। तो रात का काम बहुत होते हैं यहाँ पे, रात को आप किसी फैक्ट्री में भी काम कर सकते हो, फुल नाइट फुल शिफ्ट लगा सकते हो आप, या फिर यहाँ पे जो डिलीवरी का एक काम होता है गाइस ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको मैं प्रेफर करूँगा तो अच्छा है और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। तो गाइज वो काम क्या है, जैसे हम इंटरनेट से कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, तो कोरिया एक छोटी सी कंट्री है, अगर कोई नीचे से कुछ सामान खरीदता है और वो ऊपर उत्तर साइड में आना है तो उसको ऐसे ही लगते हैं 5-6 घंटे लगेंगे उसको डिलीवर करने में। तो गाइज क्या होता है, जैसे जितने भी इंटरनेट से जो भी सामान अप्लाई होता है, इंटरनेट से ऑर्डर होता है, तो वो क्या होता है, वो एक जगह आके और वहाँ से फिर वो छटता है, मतलब कि हाँ ये जैसे हरियाणा का है और ये फिर दिल्ली का है और ये पंजाब जाएगा, तो इस तरह से वो जो सामान छटता गाड़ियाँ भर के आती हैं मेन किसी कंपनी से, जैसे कंपनी कुछ बनाने वाली कंपनी है तो वो उसके ऑर्डर आए 500, तो वो क्या करेगी गाड़ी भर के और वो फिर उस टर्मिनल पे भेज देगी, तो टर्मिनल पे क्या होता है गाड़ियाँ उतरती हैं और जहाँ जाकर सामान है उनका होता है सेपरेशन होता है। तो गाइस इसमें ये काम पूरी रात चलता है, तो आप मतलब आसानी से उसमें काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है वो काम, क्योंकि और आप पूरे वीकली आप उसको कर नहीं सकते क्योंकि आपको फिर दिन में क्लास भी लगानी होती है, तो क्लास के लगाने के साथ साथ आपको रात में वो काम करोगे तो हफ्ते में 2-3 बार ही आप कर पाओगे, क्योंकि नींद भी जरूरत है, नींद की जरूरत है गाइज, और अगर आप नींद नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये थी स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए मैं अच्छा और बताऊं, अगर आपको कोरियन अच्छी आ जाती है तो स्टूडेंट्स आप रेस्टोरेंट पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर होते हैं 24 घंटे जो खुले रहते हैं, रात को भी खुले रहते हैं, दिन में भी खुले रहते हैं, जो दिन में एक दिन में जो आपको पैसा मिलता है कन्वीनियंस स्टोर पे वो कम मिलता है अगर हम कंपेयर करें दूसरे कामों की, तो लेकिन क्या है कन्वीनियंस स्टोर पे आपको खड़ा रहना, कोई आता है तो उसको सामान दे दे, नहीं तो अपना मजे करो वहाँ पे, फोन देखो या कुछ भी करो। ये जो काम है गाइज कन्वीनियंस स्टोर हुआ या फिर आप ये भी आप इन एप्लीकेशन से ढूंढ सकते हैं, इन पे आते हैं ये, जैसे बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे, CU हुआ या 7-Eleven हुआ या फिर GS स्टोर हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर है जिस पे आप काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में आप ये नहीं कि खाना वाना बनाओगे, आप भाई सर्विंग वगैरह कर सकते हो या फिर
बर्तन वगैरह मांजने वगैरह का भी कर सकते हो, तो इस तरह के काम आप कर सकते हो गाइस। गाइस वो यूनिवर्सिटी में अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बहुत सारे काम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपको क्लास वगैरह साफ करनी या फिर जो क्लास में डस्टबिन होता है वो वगैरह साफ करना, तो उसमें भी आप अपना एक दो घंटा दिन में किया और मंथली आपको सैलरी अच्छी मिलती है जिससे आपका खर्चा आराम से निकल सकता है गाइस। अगर आप स्कूल में भी एक दो घंटा दिन में एक घंटा भी अगर आप वो काम करते हो, बाथरूम वगैरह साफ करें, सब यहाँ पे कोरियन करते हैं, अपना खर्चा यही ऐसे ही चलाते हैं ये, और आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको D2 वीजा होना चाहिए, आप अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल ऑफिस वगैरह में आप काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बहुत कम बोली जाती है। तो जब भी कोई बाहर का बंदा एडमिशन के लिए आता है तो फिर इंग्लिश की जरूरत होती है, तो भाई जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं उनकी। अगर आप D2 वीजा आपके पास, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत यूनिवर्सिटी में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है काम करने की। आप सिक्योरिटी का काम कर सकते हो, जैसे रात को क्लासें वगैरह बंद करनी और सुबह आपको खोलनी, तो इस तरह का काम आप आराम से कर सकते हो। तो ये थे गाइस स्टूडेंट्स के काम। और अब बात करते हैं हम, कोई ऐसे नॉर्मल आता है जो स्टूडेंट्स नहीं है, ऑफिस होते हैं काम के, काम दिलाने के ऑफिस होते हैं, उस ऑफिस के द्वारा ही आप काम पे भेजे जाते हो। लेकिन अगर आपको ऑफिस से काम लेना, हर जगह होते हैं ऑफिस, जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास में हर जगह होते हैं, तो वहां से फिर बंदे आते हैं लेने के लिए कि भाई हाँ मेरे को इतने बंदे चाहिए काम के लिए, तो फिर वो ऑफिस वाला उनको बंदे देता है और उसमें से आपको तो अपना थोड़ा कमीशन लगता है। तो ऐसे आप दिन में एक तरह से दिहाड़ी टाइप में भी कर सकते हो, तो इसका जो आपका एक दिन का जो पैसा मिलेगा वो लगभग 1 लाख कोरियन वोन, मतलब इंडिया का 7,000 से 10,000 के बीच में मिलता है एक दिन अगर आप काम करोगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इन्हीं ऑफिस से आप किसी फैक्ट्री में भी काम ले सकते हैं गाइज मंथली, आप अगर आपको सैलरी चाहिए तो। गाइज अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हो बंदे, मतलब सैलरी अगर आपको मंथली मिल रही है तो आपको सैलरी तो होती है डायरेक्ट, जैसे स्टार्टिंग में अगर आप लगोगे तो कम से कम इंडिया का 1 लाख से ऊपर मिलेगा आराम से। और आपके आपको रहने का मकान देंगे, मकान तो नहीं था, मतलब 1 रूम की तरह देंगे, तो आपको 1 रूम मिलेगा और आपको खाने का भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस इन ऑफिस के द्वारा आप या तो मंथली ले सकते हैं काम, या दिन में आप काम कर सकते हैं। और जो रात का वाला काम जो मैंने स्टूडेंट्स को बताया था, वो आप नॉर्मल कोई भी कर सकता हो बंदा, उसके भी ऑफिस अलग होते हैं। जो डिलीवरी वाला जो मैंने काम बताया गाइस, उसमें एक रात में गाइस कोई 100-150 आदमी जाके वहां पे काम करते हैं। और बस आपको ध्यान थोड़ा ऐसा रखना है कि इसमें फंसना नहीं होता आपको, इमिग्रेशन वगैरह कभी रेड मार देती है तो उस टाइम पे आपको भागना होता है, क्योंकि अगर आपके पास वीजा भी है तो, लेकिन वो वाला काम आपको करने की इजाजत नहीं होती, तो आपको बचना होता है इस चीज से। तो जब भी इमिग्रेशन आए तो आपको डायरेक्ट भागना होता है। नहीं भागोगे तो पकड़े जाओगे और फाइन लगेगा ऊपर से 70,000 रुपए का। तो गाइस ये कुछ बातें हैं, इधर उधर होती है, हर जगह होती है, लेकिन बहुत कम आती हैं, क्योंकि इनको ही पता है यार अगर ये रोज ही रेड मारने लग जाएंगे तो फिर इनका काम नहीं चलेगा ना, रात वाला काम थोड़ा मुश्किल होता है। तो काम दरअसल मिल ही जाते हैं, आप अगर थोड़ा सोल से निकल के आप किसी दूसरी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे खेत वगैरह का भी काम मिलेगा आपको, मतलब खेत वगैरह में, मतलब आप वहाँ भी ऑफिस होते हैं, तो वो क्या होते हैं ऑफिस से खेत में भेजते हैं काम करने के लिए, खेत में वही खार वगैरह डालना, या फिर बड़े बड़े वो होते हैं खेत होते हैं बड़े बड़े ऊँचाई वाले, उनमें छिड़कना, दवाई वगैरह छिड़कना, तो इस तरह के काम बहुत सारे काम है। आप गाइस बिल्कुल डरना मत कि भाई हमारे को काम नहीं मिलेगा। हाँ सर्दियों में काम कम हो जाता है, सर्दियों में बर्फ गिर जाती है तो बर्फ के कारण बहुत सारे काम ठप हो जाते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम है वो तो चलता ही रहता है, कंस्ट्रक्शन में पैसा भी ज्यादा मिलता है तो कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकते हैं। तो काम इधर उधर हर जगह होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स भी इन ऑफिस में जाके काम ढूंढ सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को काम नहीं मिलता इनमें। तो कोई भी जाओ अपना काम जो दिन का एक दिन का काम हो करके, और अपना उसी दिन आपको पेमेंट मिल जाती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो गाइज, और अब की बार लाइक का जो एम रखते हैं गाइज वो रखते हैं 1,000 लाइक्स, और पता है मेरे को आप करा ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।